ठीक है ठीक है, बस करीब पाँच का पाँच पाँच नंबर में आपसे कुछ नहीं करवाया, लकड़ी का छोटा सा पीस हमें कटा हुआ रखा था, लैपटॉप से मांग ऐसे पीस काटना रहेगा। पहले उससे पहले आपको टूल्स सारे पता होना चाहिए, ये दोनों दिख रहे हैं इस गाँव में, देखिए सब क्या होती है, नाम बताओ उसका, बंदा उसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, जैक प्लेन, ये देखा सबने, क्या बोलते हैं इसको, हाँ बोलो आरी, इंग्लिश में बोलते हैं सो। इसमें देखो ध्यान से, इसके अंदर टीथ है वो किधर है, नीचे की तरफ, और हेक्सो में टीथ किधर होते हैं, ऊपर नहीं बाहर की साइड, ये किधर है अंदर की साइड, हेक्सो में होते हैं बाहर की साइड। तो ये जब इसको पुल करोगे तो लकड़ी कट होगी, और हेक्सो में जब पुश करते हैं तब वो मेटल क्या है कट जाता है, ठीक है। तो ये पुल शो होता है, ठीक है, और हेक्सो कैसा किस टाइप आता है, पुश। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये दो चीजल है, चीजल को हिंदी में क्या बोलते हैं, छेनी, ठीक है, मैं बोला रेती, रेती को छेनी, ठीक है, चीजल मीन्स छेनी हिंदी में। यहाँ पर देखो ये पतला है और ये चौड़ा, ठीक है, तो नैरो चीजल एंड वाइड चीजल, नैरो चीजल ये नैरो है और ये वाइड, ठीक है, नैरो चीजल एंड वाइड चीजल। ये हैमर की तरह दिख रहा है लेकिन लकड़ी का बना हुआ है, उसको गोल्डन हैमर मैलेट नहीं बोलते हैं, मैलेट इज मेड बाय द रबर मटेरियल, ठीक है, मैलेट किसका बना होता है, रबर का, और ये है गोल्डन, ठीक है। ये हैंड ड्रिल मशीन है, यहाँ पर ड्रिल बिट लगा के इसको आपने देखा होगा, घर में जब काम करने आता कारपेंटर तो घुमा के इसको करता है, इसको बोलते हैं ब्रश, यहाँ पर भी ड्रिल बिट लगती है, ठीक है, ऐसे रखो इसको, इससे ऐसे घुमा के आराम से वो कर सकते, ठीक है, बी आर ए सी ई, सी क्लैंप, लकड़ी के किसी भी पीस को होल्ड करने के लिए आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं दो पीस को, फेविकॉल लगा के जब जोड़ा जाता है लकड़ी को तो इसी से टाइट करके रख दिया जाता है, सी क्लैंप हो गया। ये हो गया मार्किंग गेज, ठीक है, जैसे मेटल में हम राइट एंगल का यूज करते हैं तो यहाँ पर भी देखो राइट एंगल क्रिएट होता है ये स्केल और इन स्केल सरफेस के बीच में, तो ये है मार्किंग गेज, और यहाँ पर पॉइंटर जो था वो किसी ने निकाल नहीं रखता इसमें से, जैसा लोग पॉइंटर भी रखता है, स्टील स्केल सबको पता होगा, यस सर, स्प्रिट लेवल गेज, स्प्रिट लेवल गेज, ठीक है, इसको आप रख के यहाँ पर लेवल चेक कर सकते हो, देखो ये यहाँ पर मार्किंग है, यहाँ पर सेंटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिलू बसूला, ठीक है, सबको पता है, स्ट्राइकिंग करते हैं जैसे नेल्स रिमूव करते हैं, जो भी आपने नेल्स को लगाया अगर वो निकालना है आपको तो यहाँ से फंसा के उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, मेक श्योर कि टाइट होना चाहिए। नेल एक्सट्रैक्टर, नेल एक्सट्रैक्टर, नेल मींस कील, कील, कील को निकालने के लिए देखा आपने कभी इसको, yes, कील को पकड़ो और ऐसे खींच लो, इधर से नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया होगा, ठीक है, इसको कील में ऐसे फंसाओ और उठाओ, नेल एक्सट्रैक्टर। कार्बाइड स्टोन आपने देखा होगा घर पे जब काम होता है तो जो मैकेनिक होता है वैसे उसको शार्पनेस के लिए यूज करता है, ठीक है, चीजल को शार्प करने के लिए किसका यूज करते हैं, यस, सिलिकॉन एंड कार्बाइड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको कार्बाइड स्टोन बोलो या फिर कॉम्बिनेशन स्टोन बोलो या सिलिकॉन सिलिकॉन बोलो जो मर्जी बोलो, ठीक है, शार्पनेस के लिए। ये वुडन फाइल, वुडन फाइल कैसी है, फ्लैट, ठीक है, ये वुडन फाइल कैसी है, राउंड, ठीक है, राउंड भी आते हैं इसमें, बट हमारे पास यहाँ पे अभी दो ही अवेलेबल, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर किसी को, नो सर, कोई डाउट नहीं है, नो सर, ठीक है, ये वीडियो वाले देख लेना, सिर्फ बंद कर दो।